जिला परिषद हमीरपुर की कार्यकाल की अंतिम बैठक जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर सभी जिला परिषद सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बैठक में पिछले 5 सालों का लेखा जोखा किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों के अलावा लंबित पड़े कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए चर्चा की गई। बैठक में 14वें वित्त आयोग के 102 करोड़ रुपए में से 79 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बाकी बचे हुए बजट के पैसों को शत प्रतिशत खर्च करने के लिए सदस्यों को कहा गया है। जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर ने बताया कि जिला परिषद के कार्यकाल की अंतिम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 5 सालों का लेखा जोखा किया गया। उन्होंने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में सभी जिला परिषद सदस्यों ने बढ़िया सहयोग दिया है और इसी के चलते हमीरपुर जिला ने कई आयाम स्थापित किए हैं, साथ ही लंबित पड़े कामों को भी जल्द निपटाया जाएगा। कोरोना महाकाल के शुरू होने के बाद से आज ये प्रथम बैठक थी और इसमें हमारे जो सम्मानीय जिला परिषद के सदस्यगण थे उनके जितने भी मुद्दे आए उस पर विस्तृत चर्चा की गई और जिला परिषद के कार्यकाल की अंतिम बैठक भी थी। तो इसमें जितना हमारा लेखा जोखा था 5 वर्षों में जो हमने कार्य किए या जो भी पैसा भिन्न भिन्न हैंड से सैंक्शन हुआ, जो भी मुद्दे यहाँ से उठाए गए उनका क्या निष्पादन हुआ कि नहीं हुआ, और मैं तो तमाम जिला के सभी जिलाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे 5 वर्ष का जो ये कार्यकाल रहा इसमें उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया और उसी पूर्ण सहयोग की वजह से हमारा जो जिला है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण अवार्ड में भी प्रदेश में प्रथम रहा। और इसके साथ साथ जो कार्य अभी कुछ पेंडिंग्स थे तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इनका निष्पादन भी हम 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले कर देंगे जो हमारे माध्यम से रखे गए हैं। लेकिन कुछ एक इशू ऐसे थे जैसे खनन का मुद्दा आज बहुत छाया रहा और उस मुद्दे में हमारा प्रश्न ये था कि आज भी कई जगह मैकेनिकल खनन माइनिंग की जाती है और उस माइनिंग के ऊपर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि जितने यहाँ हमारे क्रेशर्स हैं जिला में उनका उत्पादन तो वही रहा और लेबर तो कोरोना काल में आई नहीं, तो वो कंजम्पशन जो थी वो कैसे उन्होंने फुलफिल की। तो इसलिए हमने खनन अधिकारी को भी और अतिरिक्त जिलाधिकारी को भी ये कहा है कि इसके ऊपर चेक किया जाए, क्योंकि आने वाला जो समय है हमारी जो अगली लड़ाई होगी हमारे जिला में हो, प्रदेश में हो, देश में हो, वो पानी के ऊपर होगी आपस में, क्योंकि जिस तरह से पानी का स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ही खनन है। इसके अलावा हमारे जिला परिषद ने लगभग हमें 2 करोड़ रुपए का बजट आया, उसको भी हमने विभिन्न जिला हमारे जिला के जो सदस्यगण हैं उन्होंने आवंटित कर दिया है। जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइटों को लगाने के लिए पैसा स्वीकृत है और 1290 लाइटें जिला को मिली है। उन्होंने बताया कि कई पंचायतों में प्रधानों के द्वारा अपनी मन मर्जी से सोलर लाइटों को डलवाया है, जिसकी वजह से सोलर लाइटें नहीं लग सकी हैं, लेकिन इस मसले को भी जल्द निपटाया जा रहा है। वो नेशनल सोलर मिशन के तहत केंद्र के माध्यम से वो सोलर लाइट्स आई हैं और उन सोलर लाइट्स में जो बेनिफिशियरी है उसमें 1750 रुपए के हिसाब से वो पैसा डिपॉजिट होगा और वो पैसा जो सैंक्शंस है वो प्रधानों के माध्यम से वो सैंक्शंस हुई हैं। प्रधानों ने जैसे वो प्रपोजल बना के गए, किसी पंचायत में 18 आई हैं, किसी में 15 आई हैं, वो कुल मिला के लगभग 1290 सोलर लाइट्स हमारे ज़िला को प्राप्त हुई हैं या आने वाले कई इंस्टॉलमेंट्स उसमें आ गई हैं। तो हमने ये कहा था कि आपने उस पंचायत के चाहे वो वार्ड मेम्बर्स थे या ब्लॉक समिति के सदस्य थे, जिला परिषद के सदस्य थे, उनका भी आवेदन कहीं ना कहीं उसको लेना चाहिए था प्रधान को, लेकिन वो कई जगह हमने देखा प्रधानों ने अपनी मर्जी से उन सोलर लाइट्स को डाल दिया। तो हम तो ये कह रहे हैं भैया कि जब हमने इस पे बारे में पीओ कंसर्न पीओ से बात की थी तो जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है कि इस तरह के आदेश हैं कि प्रधान के माध्यम से लेने, हमने ये कहा था कि प्रधान के माध्यम से लेने लेकिन उसको कोरम में रख के ही वो लेनी चाहिए। ये आज उसका सोलर लाइट्स का इशू था, लेकिन कई अधिकतर पंचायतों में प्रधानों ने कोरम के माध्यम से, लेकिन कुछ एक जगह इस तरह की ऑब्जेक्शंस हैं। प्रदेश में अग्रणी जिला है बजट के मामले में, वो कुछ एक पंचायतें ऐसी हो सकती हैं। अब जैसे हमने ओवरऑल हमारी 10 या 11 पंचायतें ऐसी हैं जिनका बजट अभी लगभग 55 से 60% अनस्पेंट पड़ा हुआ है, बाकी हम 229 में से 217-18 पंचायतें ऐसी हैं कि उन्होंने 80%, 85% या मोर देन 85, कई पंचायतें तो ऐसी हैं कि जिन्होंने 95% और 100% के आसपास भी खर्च कर दिया है। राकेश ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर जिला को 102 करोड़ रुपए 14वें वित्त आयोग से मिला है और इसमें से 79 करोड़ रुपए जुलाई माह तक खर्च कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में भी बचे हुए बजट को विकास के लिए खर्चा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला की तकरीबन
सभी पंचायतों ने अपना बजट 80 से 90% खर्च कर दिया है और जिन पंचायतों ने बजट खर्च नहीं किया है उन पंचायतों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जल्द अपना बजट पूरा करें। 14वें वित्तीय आयोग के तहत मिला था और 102 में से लगभग 79 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया है। मतलब ये हमारे पास 31 जुलाई 2020 तक की रिपोर्ट, और इसके बाद 3-4 महीनों में बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत तेज़ हमारे प्रधान चुने हुए प्रतिनिधि उसमें उस काम को कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारा 100% पैसा खर्च हो जाएगा। प्रदेश में अग्रणी जिला है बजट के मामले में, वो कुछ एक पंचायतें ऐसी हो सकती हैं। अब जैसे हमने ओवरऑल हमारी 10 या 11 पंचायतें ऐसी हैं जिनका बजट अभी लगभग 55 से 60% अनस्पेंट पड़ा हुआ है। बाकी हमें 229 में से 217-18 पंचायतें ऐसी हैं कि उन्होंने 80%, 85% या मोर देन 85, कई पंचायतें तो ऐसी हैं कि जिन्होंने 95 और 100% के आसपास भी खर्च कर दिया है।